हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजीएस्ट कुकिंग स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। रायता तो आपने कई बार खाया होगा, एक बार मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करें। अगर आपने इस तरीके से ट्राई कर लिया तो आप हमेशा ऐसे ही रायता बनाएंगे। चलिए बूंदी का रायता फटाफट से बनाना देख लेते हैं। ये एकदम आसान और एकदम क्विक रेसिपी है। चलिए आइए तो मेरे साथ रायता बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक के साथ मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में मैंने 500 ग्राम मीठा दही लिया है। आप चाहें तो खट्टा भी ले सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और बस इसके बाद हमें डालना है 2 इसमें हरी मिर्च। मैंने 20 से कट करके हरी मिर्च डाल दी है। इसी में हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर जीरा पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा नमक और लिड लगाकर इसको हम पीस लेंगे। सारी चीज़ें एक साथ पिस जाएंगी। तब तक हम एक तरफ पैन में एक ग्लास पानी गर्म करके इसमें डाल देंगे आधा कप बूंदी, ताकि जो बूंदी है वो गर्म पानी में अच्छे से फूल जाती है। बस इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ये लीजिए, जो हमारी बूंदी है वो बहुत अच्छे से फूल गई। ये देखिए, आप देख सकते हैं। बस इसको ड्रेन कर लेंगे और बूंदी को इसमें हम पलटा देंगे। ये लीजिए, हमारा रायता परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसे जीरा से तड़का दे सकते हैं। इसकी जो रेसिपी है मैं एक बार आपको और शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये एकदम ईजी और क्विक रेसिपी है। आप इसे बढ़िया से बिरयानी, किसी भी चीज़ के चावल के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।